प्रयाण गीतम। प्रयाण प्रयाण का अर्थ होता है हिंदी में कूच करना, प्रस्थान करना, यात्रा करना अथवा सफर करना। तो प्रयाण गीतम यानी कि कूच करने वाला गीत, यह सैनिक लोग गाते हैं जब वो जोश से भरा हुआ कूच करने निकलते हैं। इसे हम इंग्लिश में मार्च सॉन्ग कहते हैं, यानी कि जोश से भरने के लिए, जैसे वार क्राई करते हैं हर हर महादेव जय मां भवानी सैनिक लोग करते हैं, उसी तरीके से जोश और उल्लास भरने के लिए ये गीत को संस्कृत में गाया जाता है। चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। चंदन तुल्य अर्थात तुल्य, हम कहते हैं ना ये हमारे देव तुल्य हैं, मतलब देवता समान हैं। तो चंदन तुल्य अर्थात चंदन के समान। भारत भूमि, भारत हमारे देश है और उसकी भूमि, तो भारत की भूमि चंदन तुल्य है अर्थात चंदन के समान है। भारत भूमि तपस्थली, यहाँ पर संधि है, भूमि विसर्ग संधि और धन तपस्थली, ये क्या है विसर्ग संधि। ग्रामो ग्राम यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, ग्राम धन ग्राम, ग्राम धन ग्राम, ये क्या है विसर्ग संधि है, यहाँ पर ग्रामो ग्राम बन गया है संधि के कारण, विसर्ग संधि के कारण। भारत की मिट्टी चंदन के समान है, चंदन तुलिया भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्रामा, हर एक गांव हर एक गांव हर एक ग्राम तपोभूमि है, वहाँ के हर एक लोग हर एक जनता तपस्या करती है, गांव में कितने सारे काम करती है, तपस्या करती है तब अपना जीविका चलाती है, इसलिए तपस्थली ग्रामो ग्रामा, हर एक गांव तपोभूमि है। बाला बाला देवी प्रतिमा, बाला अर्थात कन्या बालिका, भारत भूमि में हर एक कन्या को हर बाला को देवी का स्वरूप माना गया है, बाला बाला देवी प्रतिमा देवी के समान है। देवी में इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन देवी। वत्सो वत्सः श्री रामः, यहाँ पर भी वत्सः वत्सः है जिसका विसर्ग संधि हुआ है, तो वत्सो वत्सः हो गया है, जैसे कि ग्रामो ग्रामः हो गया था ग्रामः धन ग्रामः विसर्ग संधि, वैसे ही वत्सो वत्सः है विसर्ग संधि वत्सः धन वत्सः का। वत्सो वत्सः श्री रामः, श्री रामः, श्री रामः में तत्पुरुष समास है, श्री युक्तः रामः तत्पुरुष समास। भारत की मिट्टी चंदन के समान है, हर एक गांव तपोभूमि है, हर बाला हर कन्या देवी स्वरूप है, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, लेकिन यहाँ पे कविता का अर्थ है हर एक बालिका देवी के समान है और हर एक बालक श्री रामचंद्र का रूप है। मंदिरवत पावनम शरीरम, मंदिरवत अर्थात मंदिर के समान, पावनम अर्थात पवित्र, शरीरम मतलब हमारा शरीर अर्थात प्राणियों का जो शरीर है वह मंदिर के समान पवित्र है, पावन है। हम कहते हैं ना हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और हम क्या कहते हैं कि भगवान से क्या मांगते हैं कि वो हमारे मन मंदिर में आकर बैठे, तो हमारी आत्मा जो है वो एक परमात्मा का रूप है और इसलिए हमारा जो भगवान कहाँ निवास करते हैं मंदिर में, आत्मा कहाँ निवास करती है शरीर में, इसलिए शरीर को मंदिर के साथ मंदिर के जैसा देखा गया है यहाँ पर। सर्वो मानव उपकारी, सर्वो अर्थात सभी, मानव अर्थात सभी मानव सभी मनुष्य, उपकारी जो कि उपकार करने में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उपकारी में तत्पुरुष समास है, उपकारम करोति इति उपकारी, जो उपकार करता है वह उपकारी होता है। सिंहा एह खेलन का जाता, सिंहा एह, सिंहा तो अर्थात जो जानवर से है शेर है वो, एह यहाँ पर एह जो है वो अव्यय शब्द है, अव्यय क्या होता है जिसका तीनों लिंग तीनों रूपों में चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, वो शब्द अव्यय होता है, तो यहाँ पे एह अव्यय है।
खेलन का अर्थात खिलौना। पुरातवा जहाँ के बच्चे सिंह से खिलौने की भांति खेलते हैं। यह जो प्रसंग है सिंह से खेलने वाला, ये प्रसंग जुड़ा हुआ है राजा भरत से, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के सुपुत्र थे। वह इतने ब्रेव थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने निडर थे। वह सिंह के दांत गिनकर आ जाते थे, शेर के दांत गिन लेते थे जब वो छोटे थे तब। उन्हीं के नाम से हमारा भारत पड़ा, भरत से भारत। गौरी पूजा जनयित्री, जनयित्री में प्रत्यय है डिप प्रत्यय, तो जनयित्री धन डिप। जनयित्री एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग होगा जनक, जननी जो माता होती है वो हुई जनयित्री। गौरी ही पूजा जनयित्री अर्थात गौरी मतलब जो गाय होती है वो, उन्हें हम अपनी जननी के समान पूजा करते हैं, उन्हें हम अपनी माता के समान पूजते हैं। एह प्रभाते शंख ध्वनि सायं संगीत स्वाना, बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री रामः। एह प्रभाते, ये अव्यय शब्द हो गया, प्रभाते मतलब भोर के समय में, सुबह के समय में। हमारी सुबह शंख की ध्वनि से शुरू होती है और शाम को हमें संगीतमय लोरी सुनने को हमारी शाम में मिलती है, अर्थात जहाँ सवेरा शंखनाद से होता है और संध्या लोरी के साथ होती है, ऐसा है हमारा भारत देश। वत्सह में धातु रूप, एक वचन अकारांत पुल्लिंग, एक वचन प्रथमा विभक्ति। बाला बाला देवी प्रतिमा यानी कि हर एक कन्या देवी की प्रतिमा है, देवी की प्रतिमूर्ति है, उनके जैसी है, उनका प्रतिरूप है। और वत्सो वत्स, हर वत्स में, हर बालक में, हर बालक में श्री राम की भांति, वो श्री राम की भांति हैं। अत्र कर्म तो भाग्य निर्मितः, अर्थात अत्र यहाँ पे अव्यय शब्द है, अत्र मतलब यहाँ, कर्म तो अर्थात कर्म से, भाग्य निर्मितः, भाग्य निर्मितः में समास है, यह है तत्पुरुष समास, भाग्येन निर्मितः इति भाग्य निर्मितः, अर्थात यहाँ पर हम कर्म से ही अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। सब कुछ हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। पौरुष निष्ठा कल्याणी, पौरुष निष्ठा में भी तत्पुरुष समास है, पौरुषेषु निष्ठा इति पौरुष निष्ठा कल्याणी। कल्याणी का धातु रूप इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पौरुष निष्ठा कल्याणी का अर्थ हुआ पौरुष, ये पुरुषार्थ से, पौरुष अर्थात श्रम मेहनत, हमेशा कल्याणकारी होती है, यानी कि जो, यानी कि हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर पाना चाहते हैं तो उसे मेहनत करके ही पा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौरुष निष्ठा यानी कि लगातार हम अपना, अपनी पूरी निष्ठा देते हुए जब हम मेहनत करते हैं तो वो कल्याणकारी सिद्ध होता है, यानी कि श्रम हमेशा ही कल्याणकारी होता है। यहाँ जैसे कि यहाँ फोटो में भी दिखाया गया है कि हर कोई अपने हाथ से अपना काम करता है, यहाँ कहीं मक्खन निकाल रहे हैं, कहीं खुद से पानी भर रहे हैं, कहीं गाय को चारा खिलाया जा रहा है, कहीं हम नल से, हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, तो कितना श्रम करते हैं हम अपने जीवन को चलाने के लिए। अत्र त्याग तपस्या मिश्रा, अत्र अव्ययी शब्द है, त्याग मतलब त्याग देना, तपस्या हम सब जानते हैं तप करना, मिश्रा गाथा गायति कवि वाणी, अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायति कवि वाणी। तो यहाँ पर गायति शब्द में धातु रूप क्या होगा, गायति शब्द का गी धातु, परस्मय पद, लट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन, कवि वाणी अर्थात कवियों की वाणी, जो कवि जो कहते हैं वो क्या गाना गाते हैं, कवि वाणी मतलब गायति कवि वाणी अर्थात वो गा रहे हैं अपनी, कवि हैं जो, हमारे जो कवि हैं वो कैसा गाना गाते हैं, किसकी गाथा गाते हैं, त्याग और तपस्या से मिश्रित। तो यहाँ कवियों की वाणी, त्याग और तपस्या से मिश्रित, त्याग और तपस्या की कई कहानियाँ, कई गाथाएँ गाती हैं, यहाँ के कवि किसकी गाथाएँ गाते हैं, त्याग और तपस्या से मिश्रित
अनेक गाथाएं गाते हैं। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा सलिल निर्मलो हिया विरामः में यण स्वर संधि है। ही हमें छोटाई की मात्रा, धन अविरामः, ये यण स्वर संधि है जो कि मिलाती है हिया विरामः। अत्र मतलब यहाँ, अव्यय शब्द ज्ञान प्रवाहो, ज्ञान की धारा, जैसे कि नदी में से धारा प्रवाहित होती है, तो ज्ञान प्रवाहो अर्थात ज्ञान की धारा। गंगा नदी तो हम जानते ही हैं, सलिल अर्थात जल, गंगा नदी का जल, निर्मलो अर्थात पवित्र, तो पवित्र गंगा नदी का जल, हिया विरामः अर्थात निरंतर बिना किसी विराम के, अर्थात यहाँ पर ज्ञान की गंगा, गंगा नदी के जल के समान जो कि पवित्र है, वो लगातार प्रवाहित होती रहती है, अविराम चलती रहती है। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री रामा, यहाँ हर हर बालिका में एक देवी की छवि है, देवी की प्रतिमा है, देवी के समान है, और हर एक वत्स, हर एक बालक श्री राम की भांति हैं। उन्हीं की भांति तेज रखेंगे और उन्हीं की भांति बनने की, उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर देवी प्रतिमा में तत्पुरुष समास है, देव्याह प्रतिमा, दम ए की मात्रा, आधा व, य में आ की मात्रा, और फिर विसर, और फिर प्रतिमा, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास। अत्रत्यैः सैनिकैः समरभूमि, अत्रत्यैः सैनिकैः, यहाँ पर अत्र अव्यय शब्द है और सैनिकैः में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, सैनिकों के द्वारा रणभूमि में श्री गीता का गायन होता है। समर भूवि में तत्पुरुष समास है, समराय भूवि अर्थात लड़ने की भूमि, जहाँ पर मतलब युद्ध हो, समराय भूवि तत्पुरुष समास, समर भूवि अर्थात रणभूमि। सदा गीयते श्री गीता, सदा अव्यय शब्द, श्री गीता में फिर यहाँ समास है तत्पुरुष समास, श्री युक्ता गीता, जो हमारी गीता है वो श्री युक्त है। संपूर्ण अर्थ हुआ, हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं वो रणभूमि में गीता का गायन किया करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो माता सीता थी, जो माता जानकी थी, वो राजा जनक को, माता सीता राजा जनक को, जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब उनकी बंजर ज़मीन में वो हल चला रहे थे, तो वो हल के नीचे एक टोकरी टकराई और उसके अंदर से माता सीता निकली, छोटी सी प्यारी सी सुकोमल सुकुमारी। इसलिए आगे कहा गया है, अत्र क्षेत्रे हल फालाधः खेलती सुकुमारी सीता, हल फालाधः अर्थात हल के फल के नीचे, अत्र क्षेत्र अर्थात हमारे क्षेत्र में, भारत की मिट्टी में मिली थी वो, तो अत्र क्षेत्र हल फालाधः, हमारे खेत के हल के नीचे खेलती सुकुमारी सीता, खेलती अर्थात खेलती हैं, सुकुमारी मतलब प्यारी सी छोटी सी बच्ची सुकुमारी सीता, माता सीता जो मिली थी, तो खेलती सुकुमारी सीता, खेलती का धातु रूप क्या है, खेल धातु रूप, खेल से खेलती बना है, परस्मय पद लट लकार अन्य पुरुष एक वचन, और सुकुमारी अर्थात कोमलांगी, और अत्र क्षेत्रे, क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति एक वचन। संपूर्ण अर्थ हुआ, जहाँ जहाँ की भूमि पर, जहाँ के खेतों के नीचे सीता सुकुमारी सीता खेला करती हैं। आगे है, अत्र जीवना दर्शे जटितो मंगलमय मणिर अभिरामः, मणिर भिरामः, यहाँ पर विसर्ग संधि है, मणे ही धन अभिरामः, जीवनादर्श, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, जीवनस्य आदर्श, जीवन का आदर्श, जीवनादर्श में सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक वैसे ही प्रभाते में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। संपूर्ण अर्थ हुआ, जीवन का आदर्श, जटितो अर्थात
जड़ा हुआ है। मंगल मतलब जो कि आनंद प्रदायी है, सुख प्रदायी है। मंगलमय होना तो सुख प्रदायी होना, मतलब खुशी आनंद में मगन होना। मणि अभिरामः, अभिरामः का अर्थ होता है सुंदर। तो जीवन का आदर्श मंगल रूपी मणि से सुशोभित है। हमारा जो जीवन का आदर्श है, जिन आदर्शों पर हम चलते हैं, वो कैसे हैं? वो हमें आनंद देने वाले हैं और मणियों के जैसे सुंदर हैं, किसी मंगल मणि की तरह सुंदर हैं। तो जीवन का आदर्श मंगल रूपी मणि से सुशोभित है, उसके जैसे सुंदर है। बाला बाला देवी प्रतिमा, वत्सो वत्स श्री रामः।